हेलो दोस्तों, मीनू मारवाड़ी रसोई में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ते में बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ। बाज़ार से भी अच्छी आज मज़े वाला चीज़ हम घर में ही बना के तैयार कर लेंगे। 30 रुपए के खर्चे में ओनली 10 मिनट में इतनी सारी चीज़ हम घर में ही बना के तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इतनी आसान रेसिपी लेके आई हूँ आप सभी के लिए। और फिर हम चीज़ गार्लिक ब्रेड भी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से ओनली 5 मिनट में। तो उसके लिए दोस्तों आप सभी रेसिपी को पूरा देखना। रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा देना ताकि और भी अच्छी अच्छी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध लिया है और ये गाय का दूध है, और इसे गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था और इतना गर्म किया कि उंगली हमारी सहन कर सके इस गर्म दूध को। तो इतना गर्म हो चुका है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। और ये विनीगर लिया है, विनीगर की मैंने 5 चम्मच एक कटोरी में डाल के उसमें 4 चम्मच पानी की डाल के थोड़ा थोड़ा विनीगर इसके अंदर हम डालेंगे, एक एक दो दो चम्मच। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हमारा दूध की ये चीज़ बनने लग गई है। फिर से डालेंगे, फिर 1 मिनट रुकेंगे, फिर 2 चम्मच डालेंगे, फिर 1 मिनट रुकेंगे। इस तरीके से हम इसे बनाते रहेंगे। तो ये देखिए जैसे जैसे मैं इसमें विनेगर डाल रही हूँ तो ये चीज़ बनने स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम गर्म दूध में बनाएंगे तो ये पनीर बन जाएगा, और इस तरीके से गुनगुने दूध के अंदर ही, कच्चे गुनगुने दूध के अंदर ही बनाएंगे तो ये हमारी चीज़ बनके तैयार होगी इस तरीके से। तो ये देखिए बनने लग गई है, और लास्ट में थोड़ा सा विनेगर और बच रहा है जो भी इसके अंदर डाल दूंगी, और 1 मिनट इसे ऐसे ही रहने दूंगी। तो ये देखिए मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दिया। ऐसे 4 चम्मच इसमें विनेगर की लग चुकी है, और इस छन्नी के ऊपर हम ये सारी चीज़ निकाल लेंगे इस तरीके से, और बड़े बर्तन में डाल के इसको हाथ से इकट्ठी कर लेंगे। इस तरीके से हाथ से सारी को इकट्ठी करके एक गोले की जैसे बना लेंगे। फिर उसी दूध का जो पानी बचा हुआ है उसी के अंदर आधी चम्मच नमक की डाल के गर्म कर लेंगे, और उसी के अंदर वापस से ये गोला बना के चीज़ का इसके अंदर डालेंगे और 30 सेकेंड इसी के अंदर रहने देंगे। फिर इसे बर्फ़ वाले पानी में डालेंगे फिर से 30 सेकेंड। तो मेरे जैसे ज़्यादा देर गर्म में ना रखे, नहीं तो ये चीज़ पिघल जाएगी। तो इस तरीके से 2 बार कर लेंगे हम, एक बार गर्म, एक बार ठंडा, एक बार गर्म, एक बार ठंडा। फिर एक कटोरी के अंदर मैंने इसको सेट कर दिया सेट होने के लिए। आप चाहते हो इन्हें फॉइल पेपर में भी रैप करके फ्रिज में रख सकते हो। तो ये देखिए हमारी बाज़ार से भी अच्छी चीज़ बन के तैयार है। और इधर मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियों को पीस लिया है और इसमें चीज़ डाल दी है मैंने, और इसके अंदर हम 1.5 चम्मच डाल देंगे घी या बटर। तो 1.5 चम्मच मैंने घी की डाली है, थोड़ी सी मैंने चिली फ्लेक्स डाली है आधी छोटी चम्मच, और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, और यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनो डाला है, और थोड़े से हरे धनिए की पत्तियाँ डाली है काट के छोटी छोटी, और इन सभी को मैंने पीस के ग्राइंड कर लिया है। तो इसका पेस्ट बन के तैयार, गार्लिक चीज़ पेस्ट बन के तैयार है। और ये इधर मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के ऊपर ये जो हमने पेस्ट बनाया था गार्लिक और चीज़ से, इनके ऊपर लगा देंगे एक तरफ, अच्छे से भर के लगा देंगे। और फिर एक तवे पे घी डाल के इन्हें 4 मिनट लो फ्लेम आंच पे सिकाई कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही शानदार गार्लिक चीज़ ब्रेड बनके तैयार है। दोस्तों ये बाज़ार से भी अच्छी बनके तैयार होती है। इस तरीके से देखिए आप देख सकते हो कितने शानदार बनी है हमारी चीज़ भी। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ी सी चीज़ और भी ज़्यादा डाल सकते हो इनके ऊपर, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ तो और भी ज़्यादा पहले ही इनके ऊपर डाल सकते हो। तो इस तरीके से हमारी बहुत ही टेस्टी चीज़ गार्लिक ब्रेड बनके तैयार है। दोस्तों बाज़ार से भी अच्छी, इस तरीके से आप भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही आसान है इन सभी को बनाना।
तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी उसके लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।